सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट फालूदा। बहुत ही कम समय में और आसानी से बन जाने वाला ये वनीला फ्लेवर फालूदा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस लगता है दोस्तों, और इसे बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है। सो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सो इंस्टेंट फालूदा बनाने के लिए एक पतीले को मैंने गैस पर चढ़ा दिया है, जिसमें डाल रही हूँ आधा लीटर दूध। फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ फालूदा बनाने के लिए। सो जैसे ही दूध में उबाल आ जाता है, हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पहले चम्मच से अच्छे से मिला दीजिए, उसके बाद एक कप पानी इसमें ऐड कर दीजिए, जो कि 120 to 150 ml के बराबर होगा। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वनीला फालूदा मिक्स। 100 ग्राम का ये पैकेट है, जो कि मैंने मार्केट से परचेज़ किया हुआ है। आप कोई भी ब्रांड का, कोई भी फ्लेवर का फालूदा मिक्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसमें मार्केट में आपको बहुत ही आसानी से अलग अलग तरह के फ्लेवर्स मिल जाएंगे। तो फालूदा मिक्स, जो कि 100 ग्राम का पैकेट था वनीला फ्लेवर का, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। दूध को बॉयल होते हुए करीब 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं दूध हमारा रेड्यूज़ होना शुरू हो गया है। इसके साथ ही 2-3 ड्रॉप्स मैं ऐड कर रही हूँ येलो लेमन कलर लिक्विड वाला, मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा मार्केट वाला टेक्सचर देने के लिए मैं इसमें कलर ऐड कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर कलर मैं इसमें ऐड कर दूँगी, 2 से 3 बूंद मैं इसमें डाल रही हूँ। कलर डालने के बाद हम दूध को बहुत अच्छे से मिला देंगे और इसे बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे फिर से करीब 10 से 15 मिनट के लिए। तो लो मीडियम फ्लेम पर मैं दूध को अच्छे से बॉईल कर रही हूँ। बीच बीच में आपको अच्छे से स्टेयर करते रहना है। 20 से 25 मिनट के लिए दूध को हमने लो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से बॉईल कर लिया है। बस इतना ही आपको इसे रिड्यूस करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी जो फालूदा है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना बहुत ज़्यादा पतला है। तो इस स्टेज पर आप गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए और इसे ठंडा होने के लिए फ्रीज में रख दीजिए। और एक और बहुत ज़रूरी बात जो मैं आपको बताना चाहती थी, कि जो फालूदा पैकेट वाला हम मार्केट से ख़रीदते हैं, इसमें पहले से ही चीनी मिली हुई होती है, इसलिए आपको चीनी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी है, क्योंकि सफिशियंट चीनी इसमें होती है पहले से और बिल्कुल परफेक्ट मीठा इसमें मिला हुआ होता है। तो आपको अलग से चीनी बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी है। फालूदा को हमने 1 से 2 घंटे के लिए फ्रीज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। उसके बाद आप इसे इस तरह से सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, चिल्ड फालूदा हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। आप इसमें टूटी फ्रूटी या फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स डालकर सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की यूनिक और अमेजिंग रेसिपीज़ हमेशा लाते रहते हैं। तो जल्दी ही हाजिर होते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।